हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माँ बच्चा। बच्चा मिट्टी खाता है, चौक खाता है, दीवार में जो पेंट लगा हुआ है वो खाता है। ये कमेंट मुझे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा था, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता होता है कि बच्चा आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आखिर बच्चा मिट्टी क्यों खाता है और इसे सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर मैं अपने डेली रूटीन की वीडियोज पोस्ट करती हूँ, और साथ ही अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप मुझे बोलो ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब बच्चा एक्चुअली नॉन फूड आइटम्स कंज्यूम करने लगता है, नॉन फूड आइटम्स मतलब कि चॉक हो गया, कागज हो गया, या फिर लकड़ी का टुकड़ा हो गया, या क्ले हो गई, मिट्टी हो गई, रेत हो गई, डस्ट हो गया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो कि खाने लायक नहीं है, उसको अगर कंज्यूम करने लग जाए, उसको अगर खाने लग जाए, तो इस एक्चुअली प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, पिकअप। अब बच्चा अगर ये सब खाता है तो आपको पता है एक्चुअल में क्या क्या हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे का खराब हो सकता है, दांतों में इश्यूज हो सकते हैं, साथ ही बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, और इसके अलावा बच्चे में हो सकता है पेट में कीड़े पड़ जाएं, जो कि बहुत ऑब्वियस है। इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा मिट्टी खा रहा है और मिट्टी में हमें नहीं पता क्या क्या मिला हुआ है। तो अब बात करते हैं कि आखिर बच्चा मिट्टी खाता क्यों है, क्या किसी चीज की कमी है कि क्या है। सो सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है कि बच्चे में जो पोषक तत्व है, मिनरल्स हैं, उनकी कमी है। मतलब कि बच्चे में एक्चुअली जब जिंक की कमी होती है या फिर आयरन की कमी होती है, तब ये ऐसी आदत पड़ जाती है कि बच्चा है जो तो मिट्टी खाने लगता है। कितना भी मना करो बट तो भी वो खाने लगता है मिट्टी। दूसरा रीजन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि कई बार क्या होता है, माएं अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, या तो उनके पास ऑफिस वर्क बहुत होता है, घर का काम बहुत होता है, तो बच्चे को जितना प्यार देना चाहिए उतना नहीं दे पाती हैं, और बच्चा क्या होता है, डिप्रेस होके ये आदत सीख लेता है। ये बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि जहां पर मम्मियां अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती और बच्चा क्या करता है, मिट्टी खाने लग जाता है। तीसरा रीजन क्या होता है, कई बार बच्चे का जो ब्रेन है उसमें केमिकल्स का इम्बेलेंस होता है, कई बार ब्रेन इंजरी होती है अंदर ही अंदर, कई बार एकदम से ये आदत लग जाती है बट बच्चे के ब्रेन में इंजरी होती है, उसकी वजह से भी ये चीजें हैं जो कि बच्चा मिट्टी वगैरह खाने लग जाता है। बात करते हैं कि आपको कब घबराने की जरूरत है, कि क्या वाकई आपके बच्चे को पीका हो गया है क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे मिट्टी ऐसे ही खा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, एक दो दिन खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनको डांट वाट दिया पेरेंट्स ने तो छोड़ देते हैं। बट अगर आपका बच्चा एक महीने हो गया है लगातार मना करने के बावजूद भी खाते ही जा रहा है तो एक्चुअली उसको पीका है और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। जनरली ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, मतलब मिट्टी खाने की आदत, कागज खाने की आदत, ये स्टार्ट होती है जब बच्चा 2 साल करीब की एज का होता है, मतलब 18 महीने से 24 महीने की बीच के एज का होता है, तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अगर उसके पहले ऐसा होता है तो वो बच्चे जनरली छोड़ देते हैं ऐसी आदत को, क्योंकि वो ऐसे ही, क्योंकि क्या होता है शुरू में बच्चों की हर चीज मुंह में लेने की आदत होती है, तो उस वजह से वो खाते हैं, वो अलग चीज है। बट जब बच्चा बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे खा रहा है, उसके बिना रह ही नहीं पा रहा है, तब वो थोड़ी सी टेंशन लेने वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो कि मैंने आपको बताया कि प्लीज आप अपने बच्चे पे ध्यान दो। अगर आप बच्चे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, कैसे भी निकाल के आपको बच्चे को टाइम देना है, और जितनी देर भी आप बच्चे के साथ रहो उसको प्यार करो, दुलार करो, जो कि बहुत जरूरी है। बच्चे को प्यार ही चाहिए उस एज पे, क्योंकि ये बहुत जगह देखा गया है जहां पर माएं बच्चे को इतना प्यार नहीं दे पाती जितना चाहिए, तो वहां बच्चों की इन सबकी आदत पड़ जाती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया जिंक और आयरन कमी होती है, तो बच्चे को क्या होता है, हम जब कई बार बहुत ज्यादा बच्चे को दूध देते हैं तो बच्चे की जो हमारी बॉडी होती है, एक्चुअली अगर हम बहुत ज्यादा कैल्शियम का इंटेक करते हैं, दूध बहुत ज्यादा पीते हैं, तो हमारी बॉडी एक्चुअली आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और खून की कमी होती है और ये आदत लग जाती है। तो कोशिश करो, अगर बच्चे को दिन भर दूध देते हो, केवल दूध ही दूध पे रहता है बच्चा, तो कोशिश करो आप सॉलिड दो, मतलब 1.5-2 साल के बच्चे को एटलीस्ट सॉलिड तो लेना ही चाहिए, क्योंकि दूध से बच्चे में आयरन की कमी होगी। सो आयरन की कमी को बेसिकली दूर करिए। तीसरी चीज, डॉक्टर को दिखाइए, वो हो सकता है आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करें जिंक की और आयरन की, क्योंकि बच्चे का ये जो प्रॉब्लम होता है मिट्टी खाने वाली जो आदत लगती है, वो कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड होती है, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होती है बेसिकली बच्चे की बॉडी में। तो हो सकता है डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करें बच्चे को, तो वो आपको देना पड़े और उसके बाद सही हो जाए। लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप बच्चे को घर का खाना दीजिए और हेल्दी डाइट दीजिए, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना दीजिए, क्योंकि घर का खाना ही बेस्ट होता है बच्चे के लिए। क्योंकि जब बच्चे की बॉडी में सारी चीजें जाएंगी, जिंक आयरन क्या मिलेगा बच्चे की बॉडी को, तो उसकी ये सब खाने की आदत छूट जाएगी।
सो ये कुछ टिप्स थी और मुझे लगा काफी लोग परेशान है इस टॉपिक को लेकर, तो इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।